सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम नगरी अयोध्या जो भी आ रहा है, कुछ न कुछ यहाँ से यादें लेकर जाना चाह रहा है, अपने आराध्य की छवि हृदय में बसाए हुए। लाखों राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए। बस कुछ ही दिन बचे हैं जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उनको एक नज़र देखने की ललक सबके अंदर साफ देखी जा रही है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने और ट्रस्ट के लोगों ने एक निवेदन किया कि 22 तारीख को कोई अयोध्या ना आए, क्योंकि उस दिन दर्शन नहीं हो पाएगा, उसको देखते हुए राम भक्त पहले से ही अयोध्या आना शुरू कर दिए हैं। अपने रामलला की एक झलक पाने की आतुरता सबकी आंखों में देखी जा रही है। कोई गदा लेकर जा रहा है, तो कोई ध्वजा लेकर जा रहा है, कोई चाबियों में गदा लेकर जा रहा है। हर एक व्यक्ति राम से जुड़ना चाह रहा है, राम भक्त हनुमान से जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि अयोध्या के कोतवाल हनुमान जी हैं। ऐसे मेरी मौजूदगी एक दुकान पर है, यहाँ पर जानेंगे कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आखिर क्या खरीदारी कर रहे हैं और पहले से अब में व्यापार में कितना अंतर दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। क्या नाम है आपका? निर्मला कौशल। अच्छा निर्मला जी, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के दिन बहुत करीब आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं आप सबके बीच में, किस चीज की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं? यहाँ पर सब मंदिर मॉडल या फिर गदा या चाबी का छल्ला ले जाते हैं। औरतें आती हैं तो सिंदूर और बिंदी सुहाग के तौर पे यहाँ से ले जाती हैं। अच्छा। भगवान राम के प्रसाद के रूप में। अच्छा जी। नहीं, सिंदूर बिंदी ले जाते, आखिर क्या ऐसी महत्ता है इसके विषय में थोड़ा बताएं। सिंदूर बिंदी का बहुत महत्व है भैया, यहाँ पे जो रहती है सुहागनी औरत के, उनका प्रतीक है सिंदूर बिंदी। अच्छा। वो लगाती है इसी उपलक्ष्य में कि जो अयोध्या आती है और सुहाग की चीज में लेके जाती है। अच्छा, आपका क्या नाम होगा? मोनिका कौशल। मोनिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे पहले लोग आते थे, पहले के व्यापार में और अब के व्यापार में कितना अंतर देख रही हैं? पहले के व्यापार में आपके व्यापार में बहुत ज्यादा अंतर देख रहे हैं। यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सब जगह अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग जगह सब मंदिरों में इतनी भीड़े हो रही है, इतनी बाहर से लोग आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पहले से हमें बहुत ज्यादा अंतर है और आगे और भी ज्यादा अंतर आ रहे हैं। अच्छा, सब जो श्रद्धालु आप सबके बीच में आ रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए? सबसे ज्यादा राम मंदिर का मॉडल का ही कर रहे हैं। जी जी। मंदिर है ये, राम जी का छल्ला है ये लेके जा रहे हैं, सिंदूर बिंदी लेके जा रहे हैं, सबकी ज्यादा ही मांगता है यहाँ पे। अच्छा, नहीं अगर महिलाओं की बात की जाए, जो मात्र शक्तियाँ आ रही हैं, वो किस चीज की मांग ज्यादा कर रही हैं? ज्यादातर सिंदूर और बिंदी की कर रहे हैं। सिंदूर बिंदी तो लेके हो जाती है। अच्छा, पहले से अब में कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत डेवलप हो गया भैया, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ रहे हैं, एक एक दिन जिस तरह से बीत रहा है, कितना उत्साह दिख रहा है लोगों में जो आ रहे हैं? बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। हम लोग भी मतलब उस दिन तो दिवाली जैसा माहौल रहेगा, दीपक जलाएंगे लोग, खुशियाँ मनाएंगे, नाचे गाएंगे, प्रभु राम आ रहे हैं ना। प्रभु राम आ रहे हैं, देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है और जिस तरह से एक एक दिन करीब आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा के। श्रद्धालु कुछ न कुछ यादें संजोना चाहते हैं, कुछ न कुछ लेकर जाना चाह रहे हैं। जो मात्र शक्तियाँ हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, वो सुहाग के लिए, सुहाग की समृद्धि के लिए, सलामती के लिए यहाँ से सिंदूर लेकर जा रही है, ऐसा आपका कहना है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है अयोध्या की गलियों में। यहाँ पर वो निशानियां लेकर जाना चाहते हैं अपने आराध्य की। जो भी आ रहा है इस खूबसूरत मौके का साक्षी बनने के लिए, अपने रामलला का दर्शन करने के लिए, सभी लोग यहाँ से कुछ यादें सजो कर ले जाना चाहते हैं। उसमें से हनुमान जी का गदा हो गया, भगवान श्री राम का चित्र हो गया। ऐसी मेरी मौजूदगी एक दुकान पर है, मैं उनसे बात करूंगा कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ रहे हैं, जिस तरह से श्रद्धालुओं का जनसमूह अयोध्या की तरफ आ रहा है, उनके जो व्यापार है उसमें कितनी बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक भैया मेरे साथ में है, मैं उनसे जानूंगा कि क्या शुभ नाम होगा आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, कैसा व्यापार हो रहा है जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ रहे हैं, तमाम लाखों श्रद्धालु रोज अयोध्या आ रहे हैं, कैसा व्यापार दिख रहा है? व्यापार बढ़ा है, पहले से काफी बढ़ा है। तमाम पूजा के बर्तनों के और गदा है, खासकर गदा की बिक्री बढ़ी है। जो यहाँ आते हैं श्री हनुमान जी अयोध्या के कोतवाल हैं, उनका जो है गदा हर कोई पसंद करता है और लेना चाहता है। आजकल गदे चाबी की रैन में चीज, मैं चाहूँगा थोड़ा आप दिखाएं मुझे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास में जो ज़्यादा इस टाइम बिक रही है। देखिए गदा है, ये लोग ले जाते हैं मंदिरों में अपने रखने के लिए, भगवान के स्थल पे, घर में पूजा के लिए, छोटे हैं बड़े हैं, चाबी में लगाने के लिए गदा है। देखिए ये भी एक गदा है जो छोटा सा लोग ले जा रहे हैं अपने घरों में रखने के लिए हनुमान जी की स्मृति के रूप में। उसी के साथ साथ एक गदे नुमा चाबी का छल्ला भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये छल्ला है जो लोग चाबियों में अपने लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में है इस टाइम। लोग आते हैं और निशाने के तौर पर लेकर जाते हैं। और क्या होगा भैया? पेन है, जय श्री राम लिखा हुआ जी, ये देखिए जय श्री राम की एक पेन। अरे वाह,
देखिए क्या क्या खूबियां हैं। ये पेन है और उसमें स्लाइड करने पर जिस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर है, यहाँ पर देखिए मंदिर भी रामलला कनक बिहारी सभी लोगों की तस्वीरों से तरह से रामलला का भी यहाँ पर बहुत प्यारा सा चित्र इसमें। ये बहुत खूबियों भरी पेन है, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। ये जो पेन है इसमें कई सारी खूबियां हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से इसको खींचने पर इसमें मैं चाहूंगा भैया आप दिखाएं। देखिए इसमें जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है वो मंदिर के तस्वीर आपको दिखेगी, उसी साथ साथ यहाँ पर राम जन्मभूमि जो रामलला विराजमान है उनकी तस्वीरें भी आप इस पेन के अंदर देख रहे हैं। बहुत ही क्वालिटी भरी पेन जिसकी तरफ श्रद्धालुओं के इस टाइम ज्यादा रुझान। उसी के साथ साथ ये जो गदा मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और क्या क्या चीजें लोग लेकर जा रहे हैं? आप पेन की मतलब वो भी चला सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं, ये भी। अच्छा, इसमें जो टच वाले फोन है उसमें आप इससे मोबाइल भी चला सकते हैं। और क्या क्या चीजें जिसकी तरफ श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा रुझान है? देखिये ये राम मंदिर मॉडल जो किसी अच्छे क्वालिटी का बना हुआ है और राम मंदिर मॉडल भी लोग लेकर जा रहे हैं। और गदा के बारे में आप बता रहे थे कुछ। हाँ गदा देखिए, ये गदा है, हर तरह का गदा है। ये एक छोटी सी क्वालिटी ये है, उसके बाद फिर ये गदा है, धीरे धीरे करके क्वालिटी देखिए बड़ी होती जाती है। तमाम तरह के श्रद्धालु जिस तरह जिसकी श्रद्धा हो रही है, ये बताइए श्रद्धालु किस किस चीज के लिए लेकर जा रहे हैं मंदिरों में रखने के लिए कि यादें संजोकर अपने पूजा स्थल पर रखने के लिए ले जाते हैं, और अपने परिजनों को अपने रिश्तेदारों को अयोध्या की भेंट करने के लिए कि अयोध्या का डेमो लेके आए हैं प्रतीक चिन्ह। जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ से अपना लेके आते हैं चिट्ठी, मतलब भगवान का माता के लॉकेट वगैरह वो अपना बांटते हैं परिजनों में, वैसे ही लोग अपना पूजा के सामान है, लॉकेट है, की चैन है, गदा है और तांबे की बोतल वगैरह हैं, और ये सब है आपके भगवान के जो होते हैं सब ये सब। जी, जो भी राम भक्त राम की नगरी अयोध्या आ रहे हैं कुछ ना कुछ यादें अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं, उन यादों में आपको गदारुमा चाबी का छल्ला। उसी साथ मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। देखिए ये भगवान श्री राम का बहुत प्यारा सा दरबार, ये किस धातु का बना हुआ है? प्योर पीतल का है ये जी, और पंच धातु का भी है, दोनों है इसमें जो है, इसमें राम सीता जानकी और हनुमान जी बैठे हैं जी। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो उनकी श्रद्धा है। अब एक भैया आए हुए हैं, ये शायद क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शुक्ला। कहाँ से आए शुक्ला जी? राजनगर टिकरी बाजार से। अच्छा अच्छा, क्या लेने आए हैं आप? ये भगवान का आसन लेने के लिए आए हैं। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप भगवान के अनन्य भक्त हैं तभी आप उनका आसन लेने आ रहे हैं, एक जो जग के आधार है उनको बहुत बड़ा सिंहासन मिलने जा रहा है, आसन मिलने जा रहा है, कितनी खुशी इस बात? बहुत ज्यादा खुश है हम लोग और भगवान की बहुत बड़ी कृपा।